उसने मुझे गुलाब का फूल दिया, फिर कुछ कहने लगा और फिर तुम्हारी आँख खुल गई है ना। अलार्म बज गया, पता नहीं क्या कहने वाला था वो। ऐसी क्या देख रही हो? सोच रही हूँ साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट ले ही लूं। अच्छा, तुम्हें मैं पागल लग रही हूँ? अक्लमंदों वाली बातें भी नहीं कर रही हो तुम। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहने वाले खुदगर्ज लोग अक्लमंद लगते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे उन लोगों से मत मिला, मैं उन जैसी बिल्कुल नहीं। पहले तो मुझे ये मजाक लगता था, लेकिन बात इस हद तक बढ़ जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। ओ हेलो, मेरे ख्वाबों को ना कुछ मत कहना। तुम देखना एक दिन मेरे सारे ख्वाब हकीकत बन जाएंगे। ओ गॉड, मुझे जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। कहाँ? अपने राजा के पास, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। और हाँ, कॉफी पीकर जाना, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने। गुड नाइट। अरे ये लड़की भी ना। ये क्या है? फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। तो आप यहाँ क्यों लाए हैं? आपके लिए। आपने जहमत क्यों की? मैं खुद दे सकती हूँ। ये हो तो आप जहमत क्यों करेंगे? मेरा मतलब है, मैंने देखा है आपको, आप रोजाना फ्रेंच फ्राइज लेने जाती हैं, इतना रश होता है, आपको बहुत तकलीफ होती होगी, तो इसीलिए मैं ले आया। तो इसीलिए ना, तो रोज मैं ही आपको फ्राइज ला के दूंगा। और ये आप किस खुशी में करेंगे? ऐसे ही। बाय द वे थैंक्स। थैंक्स किस बात का? क्योंकि आपने मेरे लिए जो इतनी जहमत। नहीं नहीं, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी होती है दूसरों का काम करके। वैसे कभी देखा नहीं तुम्हें, पहले नया आए? हाँ, लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया मैंने इंटर्नशिप पे। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? हुमायूं सईद। क्या नाम बताया? हुमायूं सईद। शक्ल देखी तुमने अपनी? शक्ल तो प्यारी है ही। वो मेरी अम्मी को हुमायूं सईद बहुत पसंद थे, तो अम्मा का नाम सईद था, मेरा नाम हुमायूं रख दिया उन्होंने, तो हुमायूं सईद। सॉरी। एनीवेज, ये लो। ये किस लिए? अरे तुमने मेरे लिए इतनी जहमत की है, फ्राइज लेकर आए हो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम ये नहीं लोगे तो ये फ्राइज वापस ले जाओ। आप ये पैसे ना मुझे वीकेंड पे एक साथ ही दे दीजिएगा, इकट्ठे। वीकेंड पे क्यों? बस जब आप देंगी ना, मैं तब आपको बताऊंगा, ठीक है? तुम्हारी तरह तुम्हारी बातें भी काफी अजीब हैं। हाँ, मेरी अम्मी भी यही कहती थी। चाय पियेंगे? ये बहुत गर्म है, ये उबला हुआ पानी खुद पे गिराओ जाके। बहुत गंदी चाय बनाता है ना, ये काम है इसका, और वो भी सही नहीं करता। आप कहती मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, मैंने खा लीजिए कि ठंडी होती है। रुको एक मिनट, दिखा दी ना अपनी औकात। जरा सी बात क्या कर ली मैंने, तुम्हें लगा लड़की सेट हो गई। यही मसला तुम मर्दों का। मैंने क्या किया? मेरे घर तक मेरा पीछा कर रहे हो और पूछ रहे हो मैंने क्या किया। मैं भी यहीं रहता हूँ। अच्छा, तुम भी यहीं रहते हो? मेरा यकीन करें, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, ना ही मेरा किरदार बुरा है। मैं यहीं रहता हूँ 2 ब्लॉक छोड़ के। अच्छा, मुझे लगा तुम मेरा पीछा कर रहे थे। आई एम सॉरी। नहीं नहीं प्लीज, आप सॉरी मत कहें। मुझे तो अच्छा लगता है, लड़कियों को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, गुड। ये सब तो राजा भी कहता है कि लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए। उफ। नबा साहिबा आप मेरे बराबर में रहती हैं, अब आपको ही फोन करके बुलाना पड़ेगा। भूल गई, आज वीकेंड है, हमने शॉपिंग पे जाना है। अच्छा निभा, एक कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके। हेलो जी, मायू। हेलो मरजान जी, आप घर चली गई? तो छुट्टी के बाद घर ही जाते हैं। लेकिन आज तो वीकेंड है। अच्छा, तो क्या वीकेंड पे घर नहीं जाते? नहीं, आज आपने मेरे पैसे देने थे, मुझसे मिलना था ना फिर आपको। ओह आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। एक्चुअली अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। आप मुझे अकाउंट नंबर भेजो, मैं आपको ट्रांसफर करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ट्रांसफर नहीं करें आप। ट्रांसफर तो मैंने बड़ी मुश्किल से करवाया है। ठीक, क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपको मैंने कहा था ना कि जब वीकेंड पे आप मेरे पैसे देंगी तो मैं आपको बताऊँगा फिर। हाँ बताया था। दरअसल मुझे कहना ये था कि मैं आपको ना बाहर लेकर जाना चाह रहा था अपने साथ। क्यों? क्यों, वो वैसे ही थोड़ा सा घूमने के लिए, कुछ खा पी लेंगे हल्का फुल्का सा, मंचिंग। हाँ ऐसे ही। दरअसल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरी स्कूटी थोड़ी मिसिंग कर रही है और मैंने आज उसे मैकेनिक को भी दिखाना। तो मैं पिक कर लेता हूँ आपको, मुझे चलाना आता है 2 बंदों को बिठा के। और ऐसा क्यों कि आप मुझे पिक करेंगे? अच्छा ठीक, मैं लोकेशन सेंड करती हूँ, तुम आ जाओ। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा